उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर के तत्वाधान में सफाई कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को बंद करने के लिए विकास भवन प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायत राज एवं निदेशक पंचायत राज को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी समाप्त नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर रामेश्वर राय, ओम प्रकाश यादव, गंगा प्रसाद, रणविजय, पिंटू, राजेश सिंह, राम प्रसाद और अशोक सिंह सहित सैकड़ों सफाई कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखंड प्रताप सिंह ने कहा, हम लोग बायोमेट्रिक जो हाजिरी का आदेश हुआ है उसका विरोध करते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव पंचायती राज महोदय को देंगे। उसमें हम लोग ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम दूर दराज गाँवों में पोस्ट हैं। हम जब भी गांव में जाएंगे ड्यूटी करने, अगर दो मिनट हम लेट हो गए तो हमारी हाजिरी नहीं हो पाएगी। हम दिन भर फावड़ा चलाएंगे, नाली साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि अगर अभी तो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा है, अगर ये बायोमेट्रिक हाजिरी समाप्त नहीं की जाती है तो निश्चित है हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के काम को बंद कर देंगे अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई। अखंड प्रताप सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ।